जय हिंद। सो फ्रेंड्स, वेन एवर यू थिंक अबाउट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, देन द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन टू योर माइंड इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, कि इस एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स अपियर होते हैं, कितनों की सिलेक्शन होती है, वो परसेंटेज क्या है। बहुत कैंडिडेट्स आप में से ऐसे हैं जो कि उस परसेंटेज के फिगर को देख के डर जाते हैं। आप में से बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि अपने प्लस वन प्लस टू में स्ट्रीम का सिलेक्शन इस बेसिस पे करते हैं कि कॉम्पिटिशन क्या है स्ट्रीम में। कुछ कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन के बाद अपने करियर का सिलेक्शन इस बेसिस पर करते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं देने जा रहा हूं उसमें कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है। कई कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको जुनून होता है कि हमने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है, तो उनके अंदर उस जुनून की वजह से कोई डर नहीं होता। उनको होता है जितना मर्जी कॉम्पिटिशन हो इसमें, मुझे तो एग्जाम क्रैक करना ही करना है। बट मेजोरिटी आप में से डर जाते हो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन को देख के। आज के सेशन का मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों के दिमाग से मैं ये कॉम्पिटिशन का डर टोटली निकाल दूं, आपका सोचने का जो एक माइंडसेट है, आपका जो चीजों को देखने का एक नजरिया है, उसको टोटली चेंज कर दूं। सो वेन एवर यू थिंक अबाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन द पिक्चर विच कम्स इन टू योर माइंड इज लाइक कि आपने एक मैराथन में दौड़ना है, एक लंबी रेस में दौड़ना है, लाइक 10 किलोमीटर की रेस में दौड़ना है, और आपके साथ लाखों बच्चे ने दौड़ना है, और फिनिश लाइन के बाद अराउंड 1000 सीट्स होंगी। तो जो पहले 1000 बच्चे उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेंगे उनको वो 1000 सीट्स मिल जाएंगी, बाकी के सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। इस तरह की पिक्चर हमारे माइंड में आती है और हमारे अंदर डर होता है कि वो लाखों बच्चा देश के किस किस कोने से कितने टैलेंट के साथ आया होगा, कितने हार्ड वर्क के साथ आया होगा, मैं तो कहीं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कहीं भीड़ में घूमो के रह जाऊंगा। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी ये सोच ही टोटली गलत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, तो आपको कैसा लगेगा? और ये फैक्ट है कि ये सोच अगर आपकी है तो वो बिल्कुल गलत सोच है। मैं आपको बताता हूं कि सही सिनेरियो है क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिकली है क्या। आपने आज से इसी सिनेरियो, इसी माइंडसेट के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखना है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द राइट माइंडसेट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको किस नजरिए से देखना है? डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज लाइक अ रेस, बट इट इज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ रेस। आपको यहां 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तो कवर करना है, बट ये नहीं सोचना है मेरे साथ और लाखों बच्चे दौड़ रहे हैं। आपको बस ये सोचना है कि ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे 1 घंटे से कम के टाइम में कवर करना है, और मेरे पास इतने वीक्स हैं इस स्टेमिना को बिल्डअप करने के लिए। अब जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आज से आपके पास 10 हफ्ते हैं इस स्टेमिना को बिल्ड करने के, और उसके बाद आप इस रेस में अपीयर होने आओगे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले चीज आप क्या करोगे, या तो कोई कोच ढूंढोगे या कोई ऐसा बंदा जिसने ये रेस ऑलरेडी पहले क्लियर की हो उससे थोड़े से टिप्स लोगे कि मैं कैसे अपनी स्ट्रेटेजी रखूं अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए इन कुछ हफ्तों के अंदर। उसके अलावा आप अपना न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखोगे, अपनी स्ट्रेंथनिंग करोगे, एंड्योरेंस बिल्ड करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करोगे, सो डेट आपको कोई इंजरी भी ना हो रेस के दौरान। आफ्टर फ्यू वीक्स व्हेन यू विल बिल्ड इनफ स्टेमिना टू अपियर इन दिस रेस, तो उसके बाद कुछ वीक्स आप प्रैक्टिस भी करोगे, सो डेट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तो मैं 1 घंटे से काफी कम टाइम में मैं कवर कर लेता हूं, और डे बाय डे इंप्रूवमेंट करने की भी कोशिश करोगे। अब जिस दिन आपकी रेस होगी आपके अंदर ये टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि मैं ये रेस कवर कर पाऊंगा 1 घंटे में या नहीं, क्योंकि आपको पता है मैंने इनफ प्रैक्टिस की हुई है, मेरे अंदर उतना स्टेमिना है। फिर चाहे आपके साथ लाख और बच्चा दौड़ रहा हो, क्योंकि आपको पता है इस रेस में क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया जस्ट ये है कि 1 घंटे में मेरे को कवर करना है, सो वो मैं कर लूंगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करके ये चीज टेस्ट कर रखी है। अनलेस एंड अंटिल मैं अपनी बेवकूफी की वजह से अपने किसी ओवर कॉन्फिडेंस में आके खुद ही रेस के बीच में गिर पड़ूं। सो सेम सिनेरियो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ। अब आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके देखो। अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नोटिफिकेशन, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डीपली एनालाइज करोगे, उनकी बारीकियों को समझोगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एग्जाम आपसे क्या चाहता है, आपकी किन किन चीजों को ये एग्जाम चेक करेगा और आपको किन किन चीजों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। लाइक रेस के केस में हमें पता था कि हमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे से कम की दूरी में कवर करना है, इतना स्टेमिना हमें बिल्डअप करना है। ऐसे ही एग्जाम में भी हमें ये चीज तभी समझ आएगी जब हम ये प्रोसेस करेंगे। उसके अलावा अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो वो एक कोच की तरह हो जाएगा, अगर कोचिंग नहीं ले रहे हो तो किसी ऐसे बंदे से एक बार जरूर गाइडेंस लो जिसने ये एग्जाम ऑलरेडी क्रैक किया है, उससे पूछो कि क्या रिसोर्सेज मुझे यूज करने हैं और ओवरऑल एक क्या स्ट्रेटेजी, एक सही स्ट्रेटेजी होगी। चाहे आप यूट्यूब पे कुछ टॉपर्स के वीडियोस देख लो, वहां से इनपुट ले लो, या पर्सनली किसी से इंटरेक्ट कर सकते हो तो इंटरेक्ट करो। और ये भी बहुत जरूरी है कि आप पिछले कुछ सालों के कट ऑफ का पैटर्न एनालाइज करो, वो चीज इक्विवेलेंट होगी लाइक रेस में हमने 1 घंटा डिफाइन कर दिया था। इसमें हमें पता होगा कि एग्जाम का जब लेवल इस लेवल का होता है तो इसके अराउंड कट ऑफ जाती है, आपको एक रफ आइडिया हो जाना चाहिए, सो डैट जब आप अपने लेटर ऑन प्रैक्टिस करोगे, लाइक रनिंग में हम प्रैक्टिस कर रहे थे,
इसमें आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं या इस टाइप के क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, इतने टाइम में इतने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, तो मेरी कट ऑफ तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। अब कहानी सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आएगी कि मैं इस रेस को जितनी जल्दी कंप्लीट करूंगा उतनी आगे की सीट पे जाके बैठूंगा, मतलब जितने ज्यादा मैं मार्क्स लाऊंगा कट ऑफ से ऊपर उतने अच्छी रैंकिंग मेरी होगी फाइनल लिस्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये माइंडसेट रखोगे तो एग्जाम की रेस वाले दिन चाहे लाखों कैंडिडेट्स भागने आ जाएं, आपको नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं होगी, आपकी टांगे बिल्कुल भी नहीं कांपेंगी, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होगा कि मैंने हार्ड वर्क करके एक सही माइंडसेट के साथ अपना स्टेमिना बिल्डअप कर लिया है इस रेस को डिजायर टाइम लिमिट से कम टाइम में कवर करने का। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है, रेस के लिए जब आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली उस दिन आप अपना अच्छा सा एक हेल्दी मील लेके जाओगे सो डैट आपकी एनर्जी पूरी हो बॉडी में, साउंड स्लीप लेके जाओगे। लाइकवाइज अपना एग्जाम देने जा रहे हो तो साउंड स्लीप लेके जाओगे, सुबह मील भी लेके जाओगे सो डैट आपके अंदर एनर्जी पूरी हो, और रेस के दौरान हाइड्रेटेड भी रहोगे, मतलब एग्जाम के दौरान बीच पिए हैं थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहोगे सो डैट आपका जो ब्रेन है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करे। एंड लास्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जैसे कि एक ट्रेंड रनर जिसने पिछले इतने टाइम में इतना हार्डवर्क किया, इतनी प्रैक्टिस की, इसके बावजूद कई बार फिनिश लाइन से जस्ट पहले ओवर कॉन्फिडेंट होकर या ओवर एक्साइट होकर वो डगमगाकर गिर पड़ता है, वैसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जाम वाले दिन। आपने बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बिल्कुल भी ओवर एक्साइट नहीं होना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, इमोशनली स्ट्रांग रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है सो दैट यू कैन गिव योर 100% ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द राइट माइंडसेट टू फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये माइंडसेट रखोगे, इस सोच के साथ जाओगे तो कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार नहीं खाओगे। बस ये सोच लो कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है और सही स्टेमिना बिल्ड करना है और जल्दी से जल्दी फिनिश लाइन को क्रॉस करके अपनी सबसे आगे की सीट सिक्योर कर लेनी है। जय हिंद।